Good morning students, you are welcome in RC Education Hub. Today we will talk about fruits. We have talked about seed. अपन ने seed के बारे में बात कर ली है, आज अपन fruit के बारे में बात करने वाले हैं. Mature, sorry, after fertilization, after fertilization, ovary is converted into fruit or fruit balls. इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, fruit ball के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. But when after fertilization, जैसे ही flower के अंदर fertilization होता है, the ovules are converted into seed and ovary is converted into fruit. Okay, the study of fruit is known as pomology. फ्रूट की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं. और बहुत बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्रूट तो फॉर्म हो रहा है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन की कन्वर्ट हो रही है फ्रूट के अंदर. दीज फ्रूट्स आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. दीज आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर जो फॉर्म हो रहे हैं बिना किसी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के. वी कैन से द प्रोसेस इन विच ओवरी इज कन्वर्टिंग into fruits without fertilization, the process is known as parthenogenesis and the fruits are known as parthenocarpic fruits. Its example are banana. Basically किसी में देखने को मिलता है अपन को banana के अंदर देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि अपन easily identify कर सकते हैं कि banana के अंदर seed नहीं पाए जाते हैं. अगर seed नहीं पाए जाते हैं मतलब fertilization नहीं हुआ. Fertilization नहीं हुआ इसका मतलब ovary बिना fertilization के किसके अंदर grow हो चुकी है, fruit के अंदर. Process is parthenogenesis and the fruits are parthenocarpic fruits. An example is banana. Fruit की study को अपन बोलते हैं pomology. The branch of science which is dealing with the study of fruits. The branch of science is known as pomology. उस branch को अपन क्या बोलते हैं? Pomology बोलते हैं. अब अपन जो एक बार fruit की structure भी देख लेते हैं. फ्रूट जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ओवरी फ्रूट वॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट वॉल्स के अंदर. एंड फ्रूट वॉल्स आर नोन एज पेरिकार्प. क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्प. स्ट्रक्चर पर देखते हैं. ओके, दिस इज एपिकार्प. That is mesocarp. That is mesocarp. And this one is endocarp. And this is seed. These three layers are collectively known as pericarp. We can say pericarp is divided into three layers. सबसे बाहर जो पाई जाती है epicarp, उसके जिस नीचे जो पाई जाती है मीजोकार्प, और सबसे अंदर जो पाई जाती है एंडोकार्प, और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सीड. और सीड के बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सीड पॉड. राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट वॉल. ये किसकी स्ट्रक्चर है? मैंगो के अंदर जो लेयर्स पाई जाती है उनके बारे में है. सबसे बाहर जिसको अपन पेल बोलते हैं, छिलका बोलते हैं, उतार देते हैं, दैट इज एपिकार्प. जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको अपन खाते हैं, दैट इज मीजोकार्प. और जो गुठली के बाहर जो कवरिंग पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? गुठली. या फिर सीड के बाहर जो कवरिंग पाई जाती है उसको बोलते हैं अपन एंडोकार्प. तीनों लेयर कलेक्टिवली क्या बोलते हैं उनको अपन? पेरिकार्प या फिर फ्रूट वॉल. दीज थ्री लेयर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रूट वॉल्स. राइट? फ्रूट क्या होता है? After fertilization, ovary is converted into fruit. और
स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। और अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट कैसे कन्वर्ट हो रही है, देन द फ्रूट्स आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। फ्रूट के अंदर फ्रूट वॉल्स फॉर्म होती हैं। वॉल्स को अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प तीन टाइप की होती है, तीन लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, और सबसे अंदर क्या पाया जाता है, सीड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट एंड स्टडी ऑफ फ्रूट एंड हाउ द फ्रूट इज फॉर्मड। राइट, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।